ये देखिए इसमें फुल मैटिंग कर रहे हैं। नीचे भैया का यूज काफी हो रहा था तो कारपेट गंदा हो जाता था, उसके लिए भैया को बार बार ड्राई क्लीन और वैक्यूम से क्लीन कराना पड़ता था। ये मेंटेनेंस फ्री है, आप इस पर गीला कपड़ा मारेंगे एकदम फ्री हो जाए, क्लीन हो जाएगा, तो मेंटेन करने में काफी इजी हो जाता है। Jamendo.com. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपको दिखाया गाड़ी में फुल मैटिंग हुई थी। भैया की रिक्वायरमेंट थी कि नीचे काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, डस्टी हो जाता है, उसको क्लीन करने में काफी टाइम लगता है। एवरी 10 डेज 15 डेज में ड्राई क्लीन करवाना भी काफी हैवी हो जाता है, उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भैया ने सजेशन लिया, भैया को सजेशन दिया कि ऐसे फुल मैटिंग हो जाती है। तो भैया के रिव्यूज लेते हैं कि कैसा लगा उनको करवाकर, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हो पाई नहीं हो पाई। पहले तो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर योर सर्विसेज। और दूसरा चीज, मेरा जो जॉब जैसा है, मेरा मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी मेरे को हॉस्पिटल जाना है, कभी हॉस्पिटल के बाहर आना है, इसीलिए गाड़ी के अंदर जो है थोड़ा हाइजीनिक जो चीज है वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इनसे पूछा, आज भैया क्या किया जाए, जिसमें धूल मिट्टी इतना चिपक जाता है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मैं ना बीमार पड़ जाऊं। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग दिस शॉप। इससे पहले भी मैंने बहुत गाड़ी के काम कराया, 3 गाड़ी पहले भी थी मेरे, चौथी गाड़ी है मेरी। तो मैंने इनसे सजेशन लिया जाए क्या किया जाए। इन्होंने सजेस्ट किया जाए आप फुल मैटिंग करा लो, फ्लोर मैटिंग, उसके बाद कोई सा भी मैट डाल दो। इसमें क्या होगा, अगर मैट अगर गंदा भी हो, गीला कपड़ा करोगे या सैनिटाइज कर दोगे, तो आपका मैट जो ओरिजिनल है वो बच्चे के बच्चे ही रहेगी और साथ में साथ गाड़ी पूरे हाइजीनिक रहेगी, टिच रहेगी। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर द सर्विसेस। थैंक यू भैया। आयुष्कर्ष जो एक्सेसरीज जो है, मेरे को अच्छा लगा। सो थैंक यू भैया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।